हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आहूजा आज आपके सामने कल के टॉप 10 करंट अफेयर्स बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसबी लर्निंग हब, बिकॉज लर्निंग इज लाइफ। आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगरा, चांद की रोशनी में ताज को देखने का पर्यटकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आज से आगरा में पर्यटक एक बार फिर चांदनी रात में ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते 17 मार्च 2020 से बंद चल रहा ताजमहल का नाइट व्यू फिर से शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है। हालांकि इस दौरान टूरिस्टों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। मौसम, दिल्ली एनसीआर में गरज और चमक के साथ जारी है बारिश का सिलसिला, ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में कल रात से शुरू हुआ झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। देर से हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। कई दिनों से चला आ रहा उमस का माहौल खत्म हो गया है और लंबी बरसात के बाद तापमान में काफी कमी आई है। तापमान 27 डिग्री तक आ गया है। नई दिल्ली जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को भारत में आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से मंजूरी दी गई है। 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन का नाम जायकोवी-डी है। खास बात यह है कि ये डीएनए पर आधारित दुनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इस वैक्सीन को लगवाने में ना सुई का इस्तेमाल होगा और ना ही दर्द होगा। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 57,61,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पैर में चोट के कारण टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल इस वर्ष किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से किसने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है? विप्रो, टेक महिंद्रा, कैप जेमिनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। आंसर इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन देश का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है? फिरोजपुर शिल्प किला हाईवे, सिलीगुड़ी गंगकोट हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे या जयपुर आगरा हाईवे। आंसर इज दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया है। किस राज्य में मंडल पट्टी की पहाड़ियों में 12 वर्षों में एक बार खिलने वाले नीले नील कुरंजी के फूल खिलते पाए गए हैं? कर्नाटक में, उड़ीसा में, मणिपुर में या महाराष्ट्र में? आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक की मंडल पट्टी पहाड़ियों में 12 वर्षों में एक बार खिलने वाले नीले नील कुरंजी के फूल नीले रंग के नील कुरंजी के फूल खिलते हुए पाए गए हैं। किस दिन पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई जाती है जिसे सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 21 अगस्त? आंसर इज 20 अगस्त। 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती है जिसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2021 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव रंजन, खोटूराम मीणा, रामकरण वर्मा, अपूर्व चंद्र। आंसर इज अपूर्व चंद्र। 1988 के बैच के महाराष्ट्र कैंडर के आईएएस अधिकारी अपूर्व चंद्रा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव नियुक्त किया गया है। किसको आर्थिक विकास संस्थान आईईजी सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अशोक लाहिड़ी, राजीव वर्मा, रघुराम राजन, एनके सिंह। आंसर इज एनके सिंह। एनके सिंह को आर्थिक विकास संस्थान आईईजी सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।